कहानी है घोटालापुर नाम के गांव की। असल में इस गांव का नाम घोटालापुर इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में आने वाली सरकारी योजनाएं कभी भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। बेटा डमरू, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि आखिर इस गांव में ये चल क्या रहा है। तुम किस बारे में बात कर रही हो माँ? ज्यादा भोले मत बनो बेटा, मैं इस गांव के विकास कार्यों और सरकार से मिलने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में बात कर रही हूँ। तुम इस सब में मत पड़ो माँ, वैसे भी अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें अब बैठकर आराम करना चाहिए। खामखा गांव वालों के झगड़ों के बीच फंसी रहती हो, वो सब मुखिया का काम है, उन्हें ही करने दिया करो। मुखिया तो इंसाफ दिलाने के लिए भी पैसे मांगता है बेटा, अब तुम ही बताओ जिसके साथ गलत हुआ है अगर वो पैसे देने में सक्षम नहीं है तो क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मुझे आपकी ये सही गलत की बातें नहीं सुननी है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुखिया जी मेरे अच्छे दोस्त हैं और आप उनके खिलाफ कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। डमरू मुखिया के नाम पर अपनी माँ को बहुत भला बुरा सुनाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तेरे इस दोस्त के बारे में तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी बेटा। दादी गांव में हुए घोटालों के बारे में जानकारी जुटाने और सच का पता लगाने के लिए मुखिया के गोदाम की तरफ चल देती हैं। जाते जाते दादी को रास्ते में एक प्रतिमा में से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। दादी पास जाती है और देखती है कि ये एक चश्मा है। हैं? ये कैसा चश्मा है? उल्टा? जाने दो, अपना काम करती हूँ, वैसे भी ये मेरे किस काम का। दादी उस चश्मे को वहीं उसी प्रतिमा पर वापस लगा देती है और गोदाम की तरफ जाती है। रास्ते में दादी का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है जिससे उनका चश्मा टूट जाता है। हे भगवान, मर गई रे, इस मुखिया के चक्कर में मेरा चश्मा। दादी को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए वो प्रतिमा के पास वापस आती हैं और वो उल्टा चश्मा निकाल देती हैं। ये चश्मा मैं रख लेती हूँ, वैसे भी तुम तो देख नहीं सकते, चश्मे का करोगे क्या? दादी उस उल्टे चश्मे को पहनती हैं और जब वे मुखिया के गोदाम की तरफ देखती हैं, तो उनको गोदाम की दीवार सफेद के बजाय काली दिखाई देती है। ये दीवार काली क्यों दिख रही है? जरूर मुखिया ने ये गोदाम घोटाले के पैसों से बनाया होगा। तेरा ये काला चिट्ठा तो मैं सबके सामने खोल कर ही रहूंगी मुखिया, तू इस बुढ़िया को कम मत समझना। अब दादी को इस जादुई उल्टे चश्मे की मदद से गांव के छोटे मोटे झगड़ों को सुलझाने में भी मदद मिलती है। ये लो दादी, आपने कल जो हमारी बकरियों को उस लालची चरवाहे से वापस दिलवाई उसके लिए ये लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बेटी, मैं इस काम के पैसे नहीं लेती, दूसरों को इंसाफ दिलाना अपना फर्ज समझती हूँ। पर दादी, आपको कैसे पता चला कि वो चरवाहा झूठ बोल रहा है और वो सारी बकरियाँ उसकी नहीं हमारी हैं? ये सब तो मेरे इस जादुई उल्टे चश्मे का कमाल है बेटी, इसे पहनने के बाद मुझे साफ साफ दिख जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, किसके मन में चोर है और किसके नहीं। दादी और चुन्नी बात कर रहे थे कि तभी मुखिया वहाँ पर आता है। तुम पैसे नहीं लेती पर मैं तो लेता हूँ ना, मुझे दे दो, ये पैसे मेरे हैं। ये झगड़ा मैंने सुलझाया है, इसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है बेटी। सुलझाया होगा पर ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं, और अगर मैं ये झगड़ा सुलझाता तो इसके लिए पैसे जरूर लेता, और हाँ तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। मुखिया चुन्नी के हाथ से पैसे ले लेता है। ये पैसे तो तू अभी ले जा रहा है मुखिया, पर जो पैसे तूने इतने सालों से गांव वालों के हक के लिए हैं, वो मैं तुझसे वापस निकाल के रहूंगी। दादी की चेतावनी सुनने के बाद मुखिया मुंह को टेढ़ा करते हुए वहां से चला जाता है। मुखिया दादी की शिकायत करने उसके बेटे डमरू के पास जाता है। देख डमरू, तेरी मेरी दोस्ती कई सालों से है पर तेरी माँ मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। पहले मेरा काम छीनती थी, गांव के झगड़ों को मुफ्त में सुलझाती थी,
पर अब तो वो मेरी संपत्ति के पीछे भी लग गई है। मुखिया डमरू को बहुत भड़काता है और सुनाता है, जिसका गुस्सा डमरू अपनी माँ पर निकालता है। मैंने कहा था ना माँ आपको मुखिया से दूर रहने को, आपने सुना नहीं था क्या? अब मैं खुद अपने आप से आपको दूर कर रहा हूँ। डमरू अपनी माँ का सामान घर से बाहर रख देता है और उनका हाथ पकड़कर उनको भी घर से बाहर करता है। ऐसा मत कर बेटा, बेघर होकर मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी। डमरू अपनी माँ की बात को अनसुना करके घर का दरवाजा बंद कर देता है। दादी की ये हालत देखकर चुन्नी दादी को अपनी झोपड़ी में शरण देती है। तुम्हारा भला हो बेटी, जो तुमने इस बुढ़िया को अपनी इस झोपड़ी में सहारा दिया। ये झोपड़ी आपकी ही वजह से सलामत है दादी, अगर आप उस दिन हमारी बकरियां वापस नहीं दिलवाती तो हम बर्बाद हो जाते और तब हमारे पास ये झोपड़ी भी नहीं रहती। उस मुखिया ने आकर ना जाने मेरे भोले भाले बेटे पर कैसा जादू कर दिया है कि उसने मुझे घर से ही निकाल दिया, पर मैं भी अब चुप नहीं बैठने वाली। मुखिया की सच्चाई बहुत जल्द सबके सामने लाऊंगी। मुझे भी यही लगता है दादी कि इस गांव में विकास ना होने की मुख्य वजह मुखिया ही है, पर उसकी सच्चाई को लोगों के सामने कैसे लाएंगे ये समझ नहीं आ रहा है। वो सब मेरे लिए अब आसान हो गया है बेटी। जब से मुझे ये जादुई उल्टा चश्मा मिला है तब से मैं कोई बेचारी दादी नहीं रही। तुमने तो देखा ही होगा, मैंने पिछले 7 दिनों में गांव के 70 झगड़ों को सुलझा दिया। वो सब मेरे इस जादुई चश्मे का कमाल है। दादी की ये बात मुखिया छुपकर सुन रहा था, जो कि तब से दादी का पीछा कर रहा था जब से डमरू ने दादी को घर से निकाला। चुन्नी मुखिया को देख लेती है। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं मुखिया जी? मुखिया हड़बड़ाते हुए सामने आता है। जैसे ही मुखिया सामने आता है, दादी अपने जादुई चश्मे की मदद से मुखिया के मन में चल रही बातों को पढ़ लेती है कि मुखिया आज रात झोपड़ी में आग लगाकर दादी को मरवाना चाहता है। तुम्हारी सोच तो बहुत नेक है मुखिया, भगवान भला करे तुम्हारा। मुखिया अपने आप से कहता है, भगवान तो क्या, आज रात आग में जलने से तुझे कोई शैतान भी नहीं बचा सकता बुढ़िया। मुखिया वहाँ से चला जाता है। मुखिया के जाते ही दादी चुन्नी से कहकर पुलिस वालों को बुलवा लेती है। इंस्पेक्टर बेटा, मुखिया ने आज रात मुझे मारने के लिए साजिश रची है। वो इस बेचारी चुन्नी की झोपड़ी को आग लगाना चाहता है। आप चिंता मत करिए माँ जी, हमारे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ मिलकर झोपड़ी के पीछे छुप गया और जब रात को मुखिया के लोग मशाले लेकर झोपड़ी को जलाने के लिए आए तो इंस्पेक्टर ने उन्हें दबोच लिया। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर ये सब करने के लिए? अगर कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दोगे तो तुम लोगों की सजा बहुत कम करवा दूंगा। जेल के डर से सभी लोग मुखिया के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सभी मुखिया के उन जगहों का पता भी बता देते हैं जहां मुखिया ने गांव के विकास का पैसा छुपा कर रखा था। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने बहादुरी दिखाई है, शाबाश। अब पुलिस सभी जगहों पर छापा मारती है और सारा पैसा जब्त कर लेती है और साथ साथ मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है। अब डमरू दादी के सामने आता है और दादी अपने जादुई चश्मे से उसके मन के अंदर भी झांक लेती है। डमरू बेटा, तू भी मुखिया से मिला हुआ है, अच्छा किया तूने जो मुझे उस दिन घर से निकाल दिया। मुझे ऐसे घर में रहना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जो लोगों का हक मार कर बनाया गया हो। दादी अब डमरू को भी पुलिस को सौंपने की बात करती है। पर दादी, डमरू भैया तो आपके बेटे हैं, उनसे गलती हो गई होगी, उन्हें माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, उससे गलती नहीं हुई, उसने गुनाह किया है, गांव वालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और अगर मैं आज ममता के लालच में आकर अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालूंगी तो मेरा इंसाफ आज ही मर जाएगा। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए पुलिस वाले से कहती है, ले जाओ बेटा,
ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। मैं ये सोच कर जी लूंगी कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं, बस एक बेटी है। इतना कहते हुए दादी चुन्नी को गले लगा लेती है और पुलिस डमरू को ले जाते हैं। दादी, आप बिना मतलब और स्वार्थ के गांव वालों के हित में सोचती हैं, इसलिए अब मुखिया के जाने के बाद गांव को संभालने की जिम्मेदारी आपकी। सभी गांव वाले चुन्नी की इस बात से सहमत होते हैं और अब दादी को गांव का मुखिया बनाया जाता है। तभी इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में गांव वापस आता है। मौजी, मैं वो सारे पैसे गांव को वापस करवाना चाहता हूं, जो कि मुखिया ने हड़प लिए थे। आप इन पैसों को गांव के विकास में लगवा दीजिएगा। इंस्पेक्टर सारा पैसा देकर वहां से जाने लगता है, पर दादी उसे रोक लेती है। ये लो बेटा, ये जादुई उल्टा चश्मा है। गुनहगारों को पहचानने में ये तुम्हारी मदद करेगा, मुझसे ज्यादा तुमको इसकी जरूरत है। इंस्पेक्टर दादी से वो चश्मा लेकर गांव से चला जाता है। अब दादी उन पैसों को गांव के विकास में लगवाती है, साथ ही गांव का नाम घोटालापुर से बदलकर विकासपुर रखा जाता है। और दादी अब अपने गांव के झगड़ों को सुलझाती है, साथ ही बुरे लोगों को सजा मिलने से गांव में अब झगड़े भी बहुत कम होने लगे थे। प्रवाहिनी नदी के किनारे बसा हुआ धाराकुंज गांव हर साल की तरह खिला हुआ था और उसी गांव के पहाड़ों के नीचे बसे हुए घर पर रहती थी मेघा नाम की एक दयालु बुढ़िया, जिसे खासकर गांव के बच्चे खूब पसंद किया करते थे। वो हर दिन गांव के बच्चों को नई नई कहानियां सुनाया करती थी। बच्चों, जाओ अभी घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। दादी माँ, एक और कहानी सुनाइए ना। पीहू, बहुत देर हो गई है, बाकी की कहानी कल सुन लेना। उसी वक्त पीहू की माँ प्रिया और पिता चंदन मेघा के घर आते हैं और प्रवाहिनी नदी के विषय में मेघा से बात करने लगते हैं। बेटी पीहू, जाओ घर जाओ, हमें दादी जी से कुछ बात करनी है। ठीक है माँ। माँ जी, साल का वो महीना आ चुका है जब प्रवाहिनी नदी का पानी अपने स्तर से ऊंचा उठता है और इस गांव में बाढ़ आ जाती है। और ये बाढ़ तो हमारे पूरे गांव वालों की खेती खराब कर देगी और प्रधान जी इसमें हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहे। जानती हो बेटी, सरकार बाढ़ की भरपाई के लिए जो पैसे भेजते हैं, वो ये प्रधान अपनी जेब में भर लेता है, मगर तुम फिक्र मत करो, ये सब मैं संभाल लूंगी। जी माता जी, हर साल की तरह इस साल फिर से गांव में बाढ़ आ जाती है और लोगों के खेत खलिहान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है और गांव वाले ये सब देखकर रोने लगते हैं। अब हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अब हमें भूखा सोना पड़ेगा। जब वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं, तभी मेघा उनके बीच आ जाती है और उन्हें देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। क्या हुआ, तुम सब रो क्यों रहे हो? हर साल की तरह इस साल भी प्रवाहिनी नदी ने हमारे गांव को बाढ़ का तोहफा दिया है। ये प्रकृति की रीति है और हम चाहे जितना भी रोएं, हम प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते। आप सही कह रही हैं माँ जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, मगर ये तो बताओ कि ये प्रधान जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? प्रधान जी तो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, ये कहकर कि सरकार से मदद की दरखास्त करने जा रहा हूँ। समय पर छोड़कर चले गए ये प्रधान जी। मेघा अपने साथ एक सुंदर सा मटका लेकर आई थी, जिसमें हाथ डालकर जो निकालो वो निकल जाता था। मैं आप सबको वचन देती हूँ कि इस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इस पूरे गांव को खाना खिलाने का जिम्मा मेरा है, जब तक गांव के खेत और खलियान फिर से ठीक ना हो जाए। जरूरत के खेती के बीज भी मैं तुम लोगों को दूंगी, मगर एक वचन देने पर। कैसा वचन? कि तुम सब एक दूसरे की मदद और एक दूसरे का दुख में साथ दोगे। गांव वाले ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और मेघा को वचन देते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे से सारे गांव में एक बार और मेघा का नाम ऊंचा हो जाता है।
पूरे गांव के लिए खाने के लिए चावल और दाल मेघा के घर से जाने लगता है। मेघा का जादुई मटका एक बार फिर गांव को बचा लेता है और धीरे धीरे गांव के खेत ठीक हो जाते हैं और बच्चे फिर से मेघा के घर कहानी सुनने आते हैं। दादी जी हमें इस मटके की कहानी सुनाइए ना। बेटा किसी और दिन सुनाऊंगी, बड़ी लंबी कहानी है। तभी वहाँ पीहू के माता पिता आ जाते हैं। हाँ माँ जी, हमें भी जानना है कि इस मटके का राज आखिर क्या है। हाँ माँ जी, आखिर हम भी तो जाने इस जादुई मटके की कहानी। अगर ऐसा है तो सब सुनो ये कहानी। ये कहानी तब की है जब मैं अपने पति राजन के साथ रहा करती थी। वो बड़े नेक और दिलेर इंसान थे जो हमेशा लोगों की मदद करने में आगे रहते थे। वो गांव में मटके बेचने का काम किया करते थे। एक दिन गांव में ऐसी ही बाढ़ आई थी। गांव में हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ आई है। हमें जाकर गांव वालों की मदद करनी चाहिए। जाओ, हमारे घर में जितना भी खाने पीने का सामान है सब लेकर आओ। आप सही कह रहे हैं, मैं अभी जाकर खाना लेकर आती हूँ। मैं और मेरे पति हम दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों को खाना खिलाया। हम खुद भूखे रहे मगर हमने गांव के बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया। जब गांव में सब कुछ ठीक होने लगा था तभी उन्हें नदी के किनारे कई सारी सीपियां दिखी जिनके मुंह के अंदर मोती रखे हुए थे। यहाँ तो बहुत सारी सीपियां और मोती पड़े हुए हैं। एक काम करता हूँ, इन्हें ले जाकर इनसे मैं कुछ अपनी पत्नी के लिए तैयार करता हूँ। राजन जी मोती को समेट कर अपने दुकान पर ले गए और एक सुंदर मटका तैयार करके उन सारी मोतियों को मटके में लगा दिया और मुझे ला कर दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मेरी प्यारी पत्नी। अच्छा, क्या लाए हैं आप, दिखाइए। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये मटका। ये तो काफी अच्छा मटका है, इसमें तो कई सारी मोतियाँ लगी हैं। इसे बेचकर हम खूब पैसे कमा सकते हैं। मैं एक महान इंसान को जानता हूँ जिसने एक बार कहा था कि पैसे के अपने उपयोग हैं, लेकिन वो कभी भी आपके लक्ष्यों का एकमात्र केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। सच्चा धन अनुभवों, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास की समृद्धि में निहित है। और तुम मेघा मेरे लिए पैसों से बढ़कर हो। मैं उस मटके को देखकर बहुत खुश हुई। फिर थोड़े दिन बाद एक बार फिर प्रवाहिनी नदी की बाढ़ इस गांव में आई और सभी गांव वालों को घर से बाहर न निकलने की सूचना दी जा चुकी थी। मगर राजन जी को ये बात पता चली कि नदी के पास एक बच्चा अभी भी खेल रहा है। मेघा मुझे जाना होगा, नदी के पास अभी भी एक बच्चा फंसा हुआ है। जी, लेकिन कहीं आपको कुछ हो गया तो? मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपना और इन गांव वालों का ध्यान रखा करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मेरे पति नदी के पास जाकर उस बच्चे को बचा लेते हैं मगर घर वापस लौट कर नहीं आते। और ये मटका तभी से मेरे साथ है और मेरी मदद हर समय करता रहता है। मुझे या फिर इस गांव को कभी भी मदद चाहिए हो तब ये मटका हमें जरूरत की वस्तुएं दे देता है। तो ये थी इस मटके की कहानी। अगर आज आप और ये सहायता देने वाला मटका हमारे साथ नहीं होता तो पता नहीं आज हमारा और इन गांव वालों का क्या होता। मेघा की कहानी सुनकर पीहू और उसके माता पिता घर लौट जाते हैं और दूसरी ओर प्रधान सरकारी दफ्तर से गांव वापस लौट आता है और अपने आप से कहने लगता है, पहले की तरह ही इस साल भी सरकार की दी गई मदद के पैसों को मैं अपनी जेब में डाल लूंगा और एक नया घर शहर में बनवाऊंगा। कल ही एक बैठक बुलाता हूँ और गांव वालों से कह दूंगा कि सरकार ने मदद करने से मना कर दिया। अगले दिन प्रधान गांव में बैठक बुलाता है और कहने लगता है, गांव वालों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सरकार से मदद मांगने गया था लेकिन सरकार ने मदद करने से मना कर दिया है, तो हर साल की तरह इस साल भी हम गांव वालों को इस समस्या से जूझना होगा। प्रधान जी, हमें सब पता है कि आप सरकार के पैसों को अपनी जेब में डाल लेते हैं। हाँ,
हम सब जानते हैं आप हमारी मदद की जगह अपने घर को भरने में लगे हुए हैं। हमारी सारी मदद हर साल की तरह इस साल भी मेघा माजी और उनके जादुई मटके ने की है। हमारे गांव में खाना पानी सब उनके घर से आता है, और यही नहीं खेत खलिहानों में बीज बोने के लिए बीज भी मेघा माजी ही देती हैं। हमारी असली प्रधान तो वही है। ये सुनकर प्रधान गुस्सा हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। इस मेघा बुढ़िया ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ये सब उसके जादुई मटके का कमाल है। उसके मटके को ना मुझे फोड़ना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो गांव वाले मुझे हटा कर उस बुढ़िया को ही प्रधान बना देंगे, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। प्रधान उस मटके को तोड़ने की ठान लेता है और अपने कामगारों को उस मटके को चोरी करने के लिए मेघा के घर भेजता है। किसे मेघा के घर में घुस जाते हैं और वहां पर उस अनोखे मटके को देखते हैं। ये देखो, इसी मटके को चुराने के लिए हमें प्रधान ने भेजा है। इसे उठाओ और चलो। मगर जैसे ही कामगार मटके को उठाने की कोशिश करते हैं तब मटका जरा भी अपनी जगह से नहीं हिलता। ये तो जरा भी नहीं उठ पा रहा है, मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रहा। तुमसे एक मटका नहीं उठ रहा है, रुको मैं उठाता हूँ। हाँ, कर लो कोशिश। कामगार मटके को उठाने की कोशिश करते हैं मगर उनसे वो मटका हिलता तक नहीं है, और दोनों प्रधान के पास जाते हैं और ये बात बताते हैं। तुम दोनों को एक काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। लगता है अब मुझे ही जाकर मटके को ठिकाने लगाना होगा। प्रधान एक लकड़ी का डंडा लेकर मेघा के घर पहुंचता है और वहां उसे वो मटका दिखता है। जैसे ही मटके पर प्रधान लकड़ी के डंडे से वार करने वाला होता है, उसी वक्त मटके से आवाज आती है। रुको प्रधान, और ध्यान से देखो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। क्या इन बच्चों की चिलचिलाहट तुम्हारे घर और धन से बढ़कर है? और क्या तुम्हारी खुशी गांव वालों की खुशी से बढ़कर है? जवाब दो प्रधान। जी बिल्कुल नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था। मैं सरकार की दी हुई मदद के पैसे गांव वालों को वापस लौटा दूंगा। प्रधान वहां से चला जाता है और आगे चलकर गांव वालों की मदद करने लगता है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि हर मुश्किल का सामना करने से ही असली जीत मिलती है, और जब साथ हो मदद और अच्छाई तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता।